भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी त्रिपुरारी सरन ने पटना के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सभागार में कहा कि उद्यम और उद्यमिता की कल्पना बिना मूलभूत ज्ञान के संभव नहीं है। इसके लिए विमर्श के पहल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री त्रिपुरारी सरन ने ये बात आज पुतुल फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार बिहार एंटरप्रेन्योर ऑफ बिल्डिंग एंड रिजॉर्ट बिहार में कही। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने वालों के लिए उस क्षेत्र की जानकारी जरूरी है, बिना इसके उद्यम को करना मूर्खता है। उन्होंने कहा कि जब वे MBA में पढ़ रहे थे तब उनका पसंदीदा विषय होता था पर्यावरण और नीति। इसके तहत उन्हें देश की आर्थिक नीति, समाज की संरचना और विभिन्न क्षेत्रों नीति आते थे। उद्यम के लिए इन विषयों में भरपूर ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने पुतुल फाउंडेशन को इस सेमिनार के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य में उद्यमिता का माहौल बनाने के लिए ऐसे पहल जरूरी हैं। 60% जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, 23% या एग्रीकल्चर का, केवल 17% बिहार की GSDP में उद्योग का है। और निश्चित तौर पर औद्योगिक जगत के जो 2-3 महत्वपूर्ण लोग हैं यहाँ बैठे हैं और लगातार उनकी कोशिशें हैं, केसरी साहब ने लगातार कोशिशें की हैं, बिल्लू खेतान जी भी यहाँ बैठे हैं, रामलाल खेतान जी, और मुझे ऐसा लगता है OP शाह साहब भी हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी की ओर से कोशिशें जरूर हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के आंकड़े तो बेहतर लगते हैं, लेकिन उस तरीके से ये जरूर है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो हमारे पक्ष में जो चीजें हैं उनको हम देश और दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे, और इसीलिए FDI के भी जो आंकड़े बिहार को लेकर के हैं वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं। अब सवाल ये है कि अब बिहार में जो कुछ इसमें किया जा सकता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो पुतुल फाउंडेशन या ऐसी जो भी संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर जो भी प्रयास करेंगे, लेकिन असली जो भूमिका हो सकती है वो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और क्रिएटर्स की भूमिका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं OP शाह साहब जैसे लोगों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अभी कुछ देश के संदर्भ में भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ जानकारियां थी कि कुछ गैर परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार को लेकर के, उद्यम को लेकर के जब प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों का आह्वान किया था तो काफी यहाँ हास्यास्पद तरीके से पकौड़े और इन पकौड़े तलने की बात को लिया गया। लेकिन अभी मैं परवीन वासी का एक उदाहरण देख रहा था, वो मुजफ्फरपुर की महिला थी, वो 1975 में वो ब्रिटेन पहुंची और उन्होंने वहाँ जो कुछ भी समोसा के जरिए अपनी पहचान बनाई उनको समोसा क्वीन कहा जाता है। तो कई हमारे यहाँ के होटेलियर्स और कैटरिंग का काम करने वाले दुनिया के कई मुल्कों में, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के अलग अलग मुल्कों में काफी अच्छा कर रहे हैं, और न केवल उन राष्ट्रों में वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के फंड मैनेजमेंट से लेकर के तमाम चीजों में उनकी भूमिका होती है। 24 के लिए पटना से प्रीति सिंह के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।